मध्य प्रदेश के इंदौर हीरानगर थाना क्षेत्र में रहने वाले एक भाई ने अपनी मुंह बोली बहन के साथ दुष्कर्म कर रिश्तों को शर्मसार कर दिया। बता दें 14 वर्षीय नाबालिग को घर में बुलाकर आरोपी ने उसे हवस का शिकार बनाया। नाबालिग ने उसके बारे में जब परिवार वालों को बताया तो परिवार द्वारा थाने पर जाकर आरोपी की शिकायत दर्ज कराई गई। वहीं पुलिस द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया गया। एडिशनल DCP राजेश रघुवंशी ने बताया कि 14 वर्षीय नाबालिग द्वारा अपने परिवार वालों को बताया गया कि उसका 23 वर्षीय मुंहबोला भाई के द्वारा कुछ दिनों पहले उसने घर पर खाना बनाने के लिए बुलाया गया। जब नाबालिग खाना बनाने अपने भाई के घर गई तो आरोपी ने उसे घर में अकेला देखकर अपने हवस का शिकार बना लिया। नाबालिग जिसके बाद अपने घर पहुंची और परिवार के साथ थाने पर जाकर शिकायत दर्ज कराई थी, जहां नाबालिग की शिकायत के बाद 23 वर्षीय आरोपी को पुलिस द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कल थाना हीरानगर में 14 वर्षीय बालिका ने रिपोर्ट लिखाई है कि उसका एक मुंह बोला भाई था जो प्रदेशनगर का रहने वाला है, उसने उसको बताया कि मेरे घर पर कोई नहीं है, मुझे खाना बना दो जाकर। तो उसको लेकर गया और खाना बनाने के बहाने घर ले गया। जब वो अंदर प्रवेश कर गई बालिका, तब उसने दरवाज़ा बंद कर दिया और उसने गलत काम किया। पुलिस ने उसे प्रकरण पंजीबद्ध कर लिया है और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। आरोपी 24 वर्षीय युवक है जो यहाँ वहाँ काम करता है, कोई उसका स्थायी काम नहीं है, कभी यहाँ कभी वहाँ जाकर काम करता है और उसका जो है उसको राखी भी बांधता है बालिका को।